हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लुचिदीप कैसे हो आप लोग आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और सुबह सुबह मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मतलब बेड पर से ही स्टार्ट कर रही हूँ जब नींद खुलता है तो मतलब ऐसा होता है ना कि नींद तो पाँच बजे से ही खुल जाता है जब बाबू उठ जाता है तो लेकिन क्या होता है कि ये खेलते रहता है और हम लोगों को नींद आते रहता है तो आधा सोना आधा उठना इस तरह से मतलब समझो कि जगह ही हुआ हो ना लेकिन पूरा नींद नहीं खुलते रहता उसके बाद फिर मैं सोच रही थी कि आज तो मुझे पूरा रूटीन दिखाना है हंस रहा है बाबू तो पूरा रूटीन दिखाना है तो बस स्टार्ट कर लेती हूँ उसके बाद उठने के बाद सबसे पहले पापा के पास थोड़ा सा मतलब ये बैठता है पापा ले जाते हैं तो वही मैं भी थोड़ा देर के लिए गई थी और सुबह सुबह दवा भी देना है क्योंकि अभी दवा कुछ दवा सुबह शाम है और कुछ दवा तीन टाइम वाला है तो वही अभी दूंगी अभी तो पापा के साथ ये थोड़ा सा पापा हंस रहे होते हैं ना तो ये अलग टाइप से देखता है या फिर हंसता है अभी तो सुबह सुबह सो के उठा है तो अलग टाइप से देख रहा है नहीं तो बहुत इंजॉय करता है तो वही सोच रही थी रिकॉर्ड करने का अभी तो बस देख ही रहा है और अभी बहुत मस्त ये हंस रहा है अभी ये मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ये कल के ब्लॉग में आएगा बहुत अच्छे से खेल रहा है तो ये कल के ब्लॉग में आएगा फिलहाल मैं आ गई हूँ रूम में लेकर और इसको क्या बोलते हैं दवा देने के क्या बोल रहे हो वॉइस ओवर करोगे Boleh semal karogi. Hah, tu bunda, tu bunda, bunda lagi, bunda lagi tu, bunda lagi, bunda lagi, bunda lagi. तो बस इसको मैं दवा पिला रही हूँ पांच दवा है जिसमें दो सुबह शाम और सॉरी हाँ दो सुबह शाम है दो सुबह शाम दोपहर है और एक है एक ही बार देना है तो जो एंटीबायोटिक है पाँच एम देना है दिन चौबीस घंटे में एक बार तो बस और दस दस बूंद देना है जो मैं आधा एम दे रही हूँ दवा का पूरा गिर ही गया है जो दवा था ना वो ढक्कन खुला हुआ था पूरा गिर गया है तो वही देख सकते हैं आप मैं पूछ रही हूँ वही और यहाँ पे बाबू इतना इन्जॉय कर रहा है मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है वीडियो आ, एडिट करने का मन कर रहा है इसके साथ खेलूँ बट बहुत लेट हो चुका है तो जल्दी जल्दी मुझे एडिट करके वीडियो डालना भी वी। क्योंकि एक दिन मिस हो जाता है तो फिर मेरा अगले दिन भी वीडियो डालने का मन नहीं करता रहा और ये ना दवा पीने में आना कहानी कर रहा था तो इसको मैं लेटा दी हूँ और फिर जबरदस्ती पिलाना पड़ता है जबस्ती नहीं बहुत जबरदस्ती करना पड़ता है तो किसी भी तरह से मैं सूट कर पा रही हूँ मतलब कहीं वो टंगा करके कहीं रख करके फोन इस वजह से आपको अलग अलग तरीके का वीडियो देखने को मिलेगा कभी काला दिखेगा कभी गोरा दिखेगा कभी साफ़ दिखेगा कभी अंधेरा दिखेगा तो वही है अभी थोड़ा सा गैप दे दे कर देना है आधा घंटा लग जाता है इसको कम से कम दस मिनट गुटा है उसके बाद गुड मॉर्निंग गुड मॉर्ड मॉर्निंग मॉर्निंग गुड मॉर्नी

जाना। जीत गये। जीत गये। जीत, गये। जीत गया, बाबू जीत गया जीत गया बहुत हंस रहा है इसकी वजह से ये मैं भी हंसने लगती तो एकदम ये दर्द होने लगता है वही कहीं इसका बिना और नजर ना लगे भगवान जी हिंग हिंग अच्छा बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि कि बच्चे को अगर मतलब तो तो वो देख रहे होंगे तो उनको पता चल गया होगा कि जिसने मुझे बताया वैसे ये चीज शायद होता है तो मन में कर लो हिंग नजर नहीं है देखो वैसे नजर वजर का तो मुझे नहीं पता लेकिन मम्मी लोग मानती है तो संडे को ट्यूज़डे को थोड़ा सा वो जो है मिर्ची और जमाइन वगैरह ऐसे करके और आग में जला देती है मुझे नहीं लगता है पता नहीं क्या होता है क्या नहीं लेकिन मैं खुद से नहीं की हूँ ज़्यादा मम्मी लोग मम्मी जी लोग करती है यहाँ पे मम्मी मालिश कर रही है दवा पिलाने के थोड़ी देर के बाद आ, आ गया था फिर मालिश होने का टाइम है यहाँ पे हीटर जला करके मालिश करती हूँ क्योंकि अब तो ठंड आ ही चुका है अगर कपड़ा नहीं भी पूरा खोलेंगे तभी भी और इसको तो ठंड लग ही चुका था तो अब पूरा डर है और पूरा अब ख्याल रख जाएगा ठंड का और उसके बाद ही मतलब मालिश में मैं बताई थी कल कि मैं बताऊंगी कैसे क्या मालिश होता है तो एक्चुअली एक मेरे देवर है जो कि डॉक्टर है तो उन्होंने बताया था कि जैसे मालिश हम तो करते ही हैं उसमें सरसों और जो जो डाल के करना है अभी तो पहले तो मैं अजवाइन और ये सरसों के तेल में अजवाइन और लहसुन का कली रख के और उसको अच्छे से खला करके तब करते थे लेकिन आजकल तो मैं उसमें डाल देती हूँ मेथी अजवाइन और फिर लहसुन सब कुछ डाल के अच्छे से उसको मतलब पका देते हैं उसके बाद उसको छान देते हैं जो चाचा ना होता है उसे छान देते हैं ऐसा तो ठंडा हो जाता है उसके बाद नहीं तो जो अगर वो प्लास्टिक वाला रहेगा तो सीधा जल जाएगा कई बार ऐसा गलती मैंने किया हुआ है कि गर्म तेल चाहे छना में छान दी प्लास्टिक वाला में तो पूरा छेद हो गया है तो वैसा नहीं करना है लेकिन हाँ वही करना है और उसके बाद क्या बोलते हैं उससे मालिश कीजिए तो गर्म होता है तो असर होता है और उसके बाद मालिश करने के बाद बेबी रब जो होता है उस बीच को बाबू 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 क्यों रोया क्यों रोया बाबू तो उसके बाद विक्स ले लेना है और विक्स से पीठ पे मतलब पीठ क्या छाती के जस्ट पीछे और छाती पे मतलब सीने पे अच्छे से लगा करके और फिर थोड़ा सा वो मालिश थोड़ा कर दीजिए थोड़ा हाथ और पैर में भी कर दीजिए और बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा हल्का सा फोरहेड पे लगा सकते हैं वैसे फोरहेड नोज पे लोग नहीं भी लगाते हैं लेकिन लगा सकते हैं और उसके बाद कपड़े पहना दो पूरा गर्मा जाएगा और यहाँ हीटर चल ही रहा है हीटर से भी पूरा आराम से माहौल ऐसा हो जाता है जो थोड़ा भी ठंडा का एहसास नहीं होता है अगर स्वेटर पहने हुए हैं तो अच्छा खासा गर्मी लगने लगता है अगर हीटर यहाँ पे चलाए हुए हैं तो ऐसा वाला पूरा माहौल क्या बाबू हो गया अब इसका लगता है अब दर्द होने लगा गाल पूरा हंस हंस के तो अब ये चिड़चिड़ लगेगा एक सेकेंड और बस मालिश के बाद इसको सुलाने का कोशिश तो करती हूँ डेली और एक बार दूध ही पिलाने का कोशिश करती हूँ फार्मूला वाला बट नहीं से नहीं लेता एकदम ही नहीं लेता बिल्कुल भी कोशिश करती हूँ सुलाने का नहीं सोता है तो धूप में रख देती हूँ स्टॉले में डाल करके तो थोड़ा देर धूप में रहता है उसके बाद इसको फ्रेश करती हूँ नहलाती नहीं हूँ आजकल मैं नहला नहीं रही हूँ बस वॉर्म वाटर से मतलब समझो ना कि थोड़ा सा बस पोछ पोछ देती हूँ गर्दन फेस ये सब पूरा पोछने में भी डर लग रहा है इतना मतलब डर गई हूँ मैं और उसके बाद मीठी को नहला करके लाई हूँ तो इसको भी थोड़ा सा बाल वाल बांध करके थोड़ा सा तैयार करके मतलब तैयार किया बाल बांध दो तो बच्चा ठीक रहता है नहीं तो पूरा जो लटका लटका हुआ बाल रहता है तो तुरंत में ख़राब कर लेती है लगता है जैसे कि कंघी भी नहीं किया हुआ है इसको कोई कंघी भी नहीं करता है ऐसा लगने लगता है तो इसलिए बांध देती हो हालांकि इसका बहुत ही पतला वाला बाल है बहुत ही पतला है बाल स्टार्टिंग से ही पतला है जब जैसे अभी बाबू का भी पतला ही है जब जन्म लिया था तो घना था लेकिन अभी बहुत पतला हो गया है तो मिट्टी का भी वही है और हम लोगों का भी तो पतला ही बाप छोड़ दो मिट्टी हम लोगों का भी पतला ही है तो माँ बाप ही बच्चे का सब कुछ जाता है तो वही है बाल इतना अच्छा नहीं है इसका मम्मी मम्मियाँ डेली तेल लगा देती है इसके बालों में मैं नहीं लगाती हुए बोलती है कि बच्चों को तेल लगाओ और बाद में जितना भी स्टाइल मारना होगा मारेगी अभी छोटी है अब इसको नहीं पता है तो तुम लगा सकती हो बाद में तो खुद ही नहीं लगाएगी जैसे तुम नहीं लगाती हो क्योंकि सच में मैं भी नहीं लगाती हूँ बिल्कुल भी तेल नहीं लगाती हूँ इसका मतलब ये नहीं कि स्टाइल मारने के लिए नहीं मतलब मैं लगाती हूँ ना तो पूरा ऐसा लगता है एक तो और भी बाल पिचक जाता है ऊपर से लगता है जैसे बीमार दिखती हूँ वैसा बाल पतला वाला है ना तो कभी मैं बहुत ही कम तेल लगाती हूँ So, सो बाबू का मालिश हो गया उसके बाद ये सोया नहीं पहले सो जाता था मतलब दस मिनट या पंद्रह मिनट के लिए लेकिन अब नहीं सोता है तो सोया नहीं उसके बाद इधर उधर करते रहा और उसके बाद इसको मैं फ्रेश की उसका मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई हूँ थोड़ा सा बस गर्म पानी से कपड़ा भिगा करके गर्दन और फेस ये सब पूछी हूँ पूरा बॉडी नहीं पूछी हूँ अभी और पोच करके पूरा ड्रेस चेंज कर दी डाइपर वगैरह सब कुछ मतलब पहना करके ड्रेस चेंज करके इसको धूप में इस टॉल में डाल के भेज दी थी क्योंकि मैं इधर बिजी थी और काम में इसलिए कोई वीडियो उसका नहीं आया मतलब ले नहीं पाई और उसके भेजने के बाद मैं ब्रश की पानी थोड़ा सा गर्म करके नहाती हूँ अभी ठंडा आ गया तो ब्रश की नहाई पूजा की खाना खाई और उसके बाद खाना खाने के बाद मीठी को फिर फ्रेश की वो भी मतलब कि बाहर धूप में थी तो गर्म पानी से मतलब थोड़ा सा उसको नहलाई उसको फ्रेश करके उसको भेजी हूँ मतलब नहला वहला करके वो फिर धूप में चली गई और उसके बाद बाबू धूप में से आया मम्मी बोली अब धूप में सेकने वाला धूप सेकने वाला नहीं है हवा है तो इसको अंदर ही रखो तो बस बाबू को लेकर के यहाँ आई है तो मेरा भी खाना पीना सब कुछ हो गया था इसको लेकर के अभी इसको फीड करा रही हूँ ये सो जाएगा मतलब लगभग सो ही गया है ये सो जाएगा उसके बाद मैं भी थोड़ा सा आराम करूँगी उसके बाद देखते हैं क्या सा होता है और बाबू का रूटीन चेंज हो गया है अभी ये दोपहर में थोड़ा सोता है शाम में थोड़ा सोता है और रात में आराम से सोता है तो चलिए मिलते हैं फिर